दोस्तों, टीम इंडिया नीदरलैंड के खिलाफ 160 रन की बड़ी जीत के बाद अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसी को लेकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव कर दिए हैं तथा भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के लिए 2019 में वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों मिली करारी हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया। तो वहीं न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन ने भी इस महामुकाबले में अपनी टीम में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं तथा यह मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी रोमांचक भरा होने वाला है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस महामुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं और कई धाकड़ खिलाड़ियों की उन्होंने टीम इंडिया में एंट्री करा दी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम का इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा बदला लेना है 2019 के वर्ल्ड कप का, क्योंकि टीम इंडिया को 2019 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की टीम के हाथों ही करारी हार झेलनी पड़ी थी और भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप में करारी हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब रोहित शर्मा ने मैच से पहले ही बड़ा ऐलान कर दिया है, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी और रोहित शर्मा का यह सपना सच होते हुए दिख रहा है। तो वहीं न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन का भी कहना है कि हम इस महामुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं और भारतीय टीम को हर हाल में हरा कर हम भी फाइनल में जगह बनाना चाहेंगे। तो यह मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाज और तथा गेंदबाज इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं तो उम्मीद है कि वह ऐसा ही प्रदर्शन सेमीफाइनल में जारी रखेंगे, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में कुछ ही अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं गेंदबाजी में भी मोहम्मद शमी और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तथा विराट कोहली भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने नीदरलैंड के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली थी, वही उम्मीद है कि वह सेमीफाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे और भारतीय टीम 2019 में मिली हार का बदला जरूर लेगी, जहां पर इस महामुकाबले के लिए रोहित शर्मा एक नई प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगी, जो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की दिखाई दे सकती है, जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जहां पर रोहित शर्मा ने नीदरलैंड के खिलाफ बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली थी और रोहित शर्मा अभी तक वर्ल्ड कप में 500 से अधिक रन बना चुके हैं। तो वहीं सुमन गिल का भी इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करा है और जिस तरह से उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, वही उम्मीद है कि वह इस मैच में भी जारी रखेंगे। तो वहीं 3 नंबर के लिए एक बार फिर से विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में एक अलग ही अंदाज दिख रहा है, जिस तरह से वो लगातार रन बना रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी मैचों में 500 से अधिक रन बनाए। तो वहीं 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर मौजूद है, क्योंकि श्रेयस अय्यर का जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में बल्ला चला है उससे भारतीय टीम के लिए मिडिल ऑर्डर की समस्या पूरी तरह से दूर हो गई है। तो वहीं 5 नंबर के लिए भारतीय टीम में एक बार फिर से केएल राहुल इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केएल राहुल ने नीदरलैंड के खिलाफ मात्र 62 गेंदों पर शतकीय पारी खेली और वह सबसे तेज शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी भी बने हैं वनडे में। तो वहीं 6 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और उम्मीद है कि वह ऐसा ही प्रदर्शन इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ जारी रखेंगे। तो वहीं 7 नंबर पर टीम इंडिया के पास रविंद्र जडेजा जैसे धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए टीम के पास स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव मौजूद हैं, क्योंकि कुलदीप यादव का भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो वहीं 9, 10 और 11 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास 3 तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मौजूद है, क्योंकि तीनों बॉलरों का इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन रहा है, इसलिए इस महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही। तो वहीं रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के लिए हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या और बदलाव होने चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।